सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्राकृतिक चिकित्सा के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो आधारभूत सिद्धांतों पर टिकी हुई है। यदि आधारभूत सिद्धांत यदि पूरा अच्छी तरह यदि आप लोग पढ़ोगे तो लगभग आपका प्राकृतिक चिकित्सा का जो फर्स्ट पेपर है वो अच्छा क्लियर हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं। 10 सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का, कल मैंने आपको क्लास में बताया प्राकृतिक चिकित्सा के, मैंने पिछले वीडियो में प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और किस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा से थेरेपी की जाती है, किस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा में असाध्य रोगों को ठीक किया जाता है, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया। आज मैं प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर अपन आधारित जो है वो क्लास लेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो पहला सिद्धांत है, मूलभूत 10 सिद्धांत होते हैं, 10 सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है, सभी रोग एक हैं, उसका कारण एक है, उसका निवारण एक है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें मानते हैं कि सभी रोग एक है, उसका कारण एक माना जाता है, उसका निवारण एक माना जाता है। क्योंकि एलोपैथी में आप जाओगे, होम्योपैथी में जाओगे, आयुर्वेद में, यूनानी में जाओगे तो रोग का अलग अलग विवरण मिलेगा, अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो मानती है कि सभी रोग एक है, उसका कारण भी एक है, उसका निवारण भी एक है। निवारण क्या है? निवारण प्राकृतिक चिकित्सा कहता है वो शरीर की एक शोधन क्रिया है। यदि शरीर यदि शुद्ध हो जाता है तो उसका निवारण माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के जो आधारभूत सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है वो मूलभूत प्राकृतिक चिकित्सा, उसी पर टिकी हुई है। क्योंकि बेसिक सिद्धांतों में प्राकृतिक चिकित्सा मानती है विजातीय द्रव्य, यदि विजातीय द्रव्य अपने शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं उसका कारण माना जाता है रोग। विजातीय द्रव्य क्या है? शरीर में जिस जगह जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उस जगह उस चीज़ का होना विजातीय द्रव्य माना जाता है। आज जैसे एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, आप ये टेबल है, इस टेबल पर बीपी इंस्ट्रूमेंट है, नेम प्लेट है, ये विजातीय द्रव्य नहीं है क्योंकि ये टेबल इस चीज़ के लिए ही बनी है। यदि मैं इस पर जूते चप्पल इस पर रख दिया जाते हैं तो वो विजातीय द्रव्य माने जाएंगे, क्योंकि आप लोग आएंगे देखेंगे तो ये लगेगा यार ये चप्पल रखने की जगह नहीं होती। क्योंकि इसी प्रकार आपका शरीर जो है, शरीर में विजातीय द्रव्य मतलब आपके शरीर में जो अंदर जो टॉक्सिक है वो इकट्ठे हो जाते हैं। भाई आज जैसे खाना खा रहे हो और खाना आपके 3.5 घंटे में आमाशय में रहता है, आमाशय के बाद में बड़ी आंत छोटी आंत में होते हुए मतलब खाना खाया और निष्कासन हो गया, मतलब पूरा अच्छी तरह पच गया और पूरा बाहर हो गया, न आपको गैस्ट्राइटिस हुई न आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो आपका विजातीय नहीं है, वो एकदम आपका शरीर के लिए स्वस्थ माना जाता है। यदि वो खाना यदि आप खा रहे हो, खाना खाते ही आपको यदि वोमिटिंग हो गई, आपको डायरिया हो गया, आपको यदि उस खाने से कॉन्स्टिपेशन हो गई तो वो शरीर के लिए विजातीय दे जाए। ये टॉक्सिक मटेरियल जो वेस्टेज मटेरियल जिसको बोले आपके शरीर में वो यदि इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं विजातीय द्रव्य। अब विजातीय द्रव्य शरीर में इकट्ठा तो हो गए, अब उसको प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कैसे आप थेरेपी देंगे, उसको कैसे निवारण करेंगे, उस जो रोग आपके शरीर में आ ही गया उस रोग को कैसे दूर किया जाएगा। आप प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले आहार ही औषधि मानी जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी हमारे पास साधक आते हैं उसको हम पहला उपवास जो है, उपवास भी एक थेरेपी है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, उपवास पहला जो है थेरेपी उपवास होती है और आहार हमारा यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में मेन औषधि मानी जाती है। क्योंकि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी साधक जो आते हैं पहला उपवास वो प्राकृतिक चिकित्सालय में आते ही हो जाएगा। क्योंकि घर पे जो पेशेंट जो साधक हैं वो आपका हिसाब से खाना खाएगा, हमारे यहाँ क्या कहते हैं सात्विक आहार मिलेगा, हमारे घर पे तो नमक भी खाएगा, मिर्ची भी खाएगा और तेल भी ज़्यादा डालेगा, अनेक प्रकार के डिश भी स्वीट्स भी खाएगा,
नमक तेज खाएगा, मिर्ची भी तेज खाएगी, हमारे यहाँ किस प्रकार का कोई खाना नहीं मिलेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी कोई साधक आता है, पहला उपवास अंदर आते ही कैंपस में शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो सात्विक आहार है। अब सात्विक आहार किसको कहते हैं? आपके शरीर के जितने भी मिनरल्स विटामिन्स जो है उपयोगी हैं, वो आपके शरीर के यूजफुल हो और आपके शरीर के लिए आपकी ग्रोथ बढ़ाने में काम करता हो, आपके शरीर के जो टॉक्सिक अंदर पड़े हैं उसको वाश करने का काम करते हो और आराम से पच जाए, आराम से पच जाता है, उसको कहते हैं सात्विक आहार। क्योंकि आपके शरीर में जितने भी मिनरल्स विटामिन्स की जरूरत है वो पूर्ति करता है और आपका जो खाना खाया वो आराम से पच गया, उसको कहते हैं सात्विक आहार। यदि पहला जब मनुष्य जो भी हमारे पास साधक या रोगी जो आएगा, तो पहला उपवास उसका प्राकृतिक चिकित्सा में होते ही होता है, उसको सात्विक आहार पर जोर दिया जाता है। दूसरा, घर में जो है उसका नियमित रूप से अनियमित समय चलता है। देखो, आपको स्वस्थ रहना है तो आपको खाने का समय फिक्स करना पड़ेगा, उठने का समय फिक्स करना पड़ेगा और सोने का समय फिक्स करना पड़ेगा। यदि आपका तीन चीज़ यदि रूटीन फिक्स हो जाएगी तो आधी बीमारी आपकी दूर हो जाती है। अब खाने का जो समय है वो कैसे फिक्स करेंगे? घर में तो क्या होता है, किचन में किसी का लोक नहीं होता है, जो मर्जी आए जब खा लिया। कोई 10 बजे आ रहा है 10 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है, कोई दिन में 2 बजे खा रहा है, कोई रात को 3 बजे खा रहा है। तो ये अनियमित खाना जो है वो आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा करता है। यदि उन बीमारियों से आपको बचना है, हमारे यहाँ क्या होता है, एक खाने का फिक्स टाइम है। यदि 6:30 से 7:30 के बीच में 7:35 पे जाओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, उस दिन आपको उपवास करना पड़ेगा। अब उपवास किस पे करो? आपको नहीं तो फ्रूट मिलेगा, आपको जल के ऊपर उपवास करना पड़ेगा, जो आपके कमरे में जो चीज़ है उसी चीज़ के ऊपर आपको उपवास करना पड़ेगा, बाहर से हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते। तो आपका पहला जो व्यक्ति जो स्वस्थ रहने का जो फंडा है वो प्राकृतिक चिकित्सा में, जो ही पेशेंट जो आए हमारे पास साधक, तो पहला उपवास के द्वारा या आपका जो है आहार के द्वारा शरीर की शोधन क्रिया की जाती है। उसके अलावा जो हमारा उपचार की विधि है, उपचार हमारा जो कल मैंने उस वीडियो में बताया था, उपचार जो करने की विधि है वो पंच तत्वों से, 5 एलिमेंट्स, आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि, ये पंच जो तत्व है आधार, पंच जो महाभूत है, यदि पंच महाभूत के द्वारा हमारी हम प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा करी जाती है। तो आपके शरीर किससे बना हुआ है? पंच तत्वों से बना हुआ है। इसी पंच तत्वों के द्वारा हम जो शरीर में अंदर जो टॉक्सिक पड़े हैं उसको वास करने का काम करते हैं। यदि हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए उसी तत्व के द्वारा उसको उपचार किया जाता है। जैसे हम आकाश तत्व का उपवास के द्वारा कर दी, अग्नि तत्व है जो आपका डाइजेशन कमज़ोर है, उनको कई प्रकार का एनिमा, जैसे आपने पहले हमारे जो ट्रीटमेंट की जो विधि है उसमें जैसे हमने कुंजल कराई, नेति कराई, नेति के बाद में योग प्राणायाम भी कराते हैं, योग और प्राणायाम की क्रिया हुई, तो आपके शरीर के अंदर की और बाह्य दोनों शक्ति को मजबूत करते हैं, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, दोनों शक्तियों को मजबूत करने के लिए ये सारी उपचार की जो विधि हैं, षट क्रियाएँ हैं और प्राकृतिक चिकित्सा पंचकर्म का जो उपचार है, उसके माध्यम से हम अनेक प्रकार की, जैसे पेट पर गर्म ठंडा सेक करते हैं, पेट पर क्या होता है, गर्म और ठंडा, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, ये सेक करते हैं। अब वो सेक क्या करते हैं, गर्म जैसे सेक करेंगे तो फैलने का काम करता है, ठंडा वापस सिकुड़ने का। तो आंतों का जो वर्क है, आंतों की जो कैपेसिटी है, आंतों का जो कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए हम गर्म ठंडा सेक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार गर्म ठंडा सेक 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट का प्रोसेस चलता है, 15 मिनट तक इस प्रोसेस में चलता रहता है। उसके बाद में हम लगा देते हैं मिट्टी की पट्टी, तो मिट्टी की पट्टी जो है अंदर जो आंतें, एक तो वर्क कम करने शुरू कर दी, आंतों में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको दूर करना ले, आंतों में जो मल पड़ा है, विजातीय द्रव्य जिसको कहते हैं, आंतों में मल को ढीला करने के लिए मिट्टी का सहारा लेना। भाई पहले आपने गर्म ठंडा सेक किया, उसने थोड़ा सा ढीला किया और अब आंतों को जो अंदर की जो सूजन है उसको मिट्टी जो लगाएंगे वो सूजन को, दर्द को कम करती है।
यदि वो दर्द को सूजन को कम करती है तो आपको धीरे धीरे मल को निकालने में, वहाँ से निकालने में आपको आराम जाएगा। तो विजातीय द्रव्य क्या है, शरीर में जिस जगह जिस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है उस जगह उस चीज़ को होना विजातीय द्रव्य। तो अपने प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है, जो पहला आधारभूत सिद्धांत है कि सभी रोग एक है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा मानते हैं कि सभी रोग जो है वो पेट से संबंधित होता है। हम लोग ये मानते हैं कि जो भी हमारे पास साधक आते हैं वो पेट से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे डायरिया हो, चाहे आईबीएस होता है, लूज मोशन हो जाता है किसी को, तो ये होने के बाद में धीरे धीरे उसको दबाया जाता है। अब डिजीज दो प्रकार की माने हैं, एक क्रोनिक डिजीज होगी, एक एक्यूट डिजीज होगी। अब एक्यूट डिजीज तीव्र रोग जिसको बोले, एक्यूट डिजीज जो होती है वो जल्दी आती है, जल्दी चली जाती है, जैसे फीवर है, बुखार है, डायरिया है, दस्त हो गया, बुखार हो गया, दस्त हो गया, वोमिटिंग हो गई, जुखाम हो गई, तो ये जो चीज़ है ये जल्दी आती है और जल्दी ही चली जाती है। परंतु तो इन रोगों को यदि आप दबा देते हो, कोई मेडिसिन के द्वारा दबा देते हो, देखो शरीर एक प्रकृति का रूप है, एक शरीर स्वयं चिकित्सक का जो रूप है, एक जो चिकित्सक जो कार्य कर रहा है वो आपका शरीर ऑटोमेटिक कर रहा है। जैसे कोई एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, किसी व्यक्ति ने कभी अल्कोहल नहीं लिया या कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, यदि उसको अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करा दोगे तो उसको क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगी। कुछ लोग यह है कभी फास्ट फूड जिसने खाया नहीं उसको फास्ट फूड खिलाओगे तो क्या होगा, या तो आपके कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या उसको डायरिया हो जाएगा, क्योंकि शरीर उस अकॉर्डिंग आपका हैबिचुअल नहीं है। तो आपका शरीर क्या होगा, खुद रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो वोमिटिंग हो जाएगी, वो बाहर निकाला, या फास्ट फूड किसी प्रकार का सेवन किया आपने खाया, उसको भी पूरा सिस्टम आपको बाहर निकालने का। अब आपको डायरिया हो गया या वोमिटिंग हो गई, आप अपने पास क्या करेंगे, आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, घबरा जाओगे, डॉक्टर साहब मेरे तो फूड पॉइजन हो गया, डायरिया हो गया, तो डॉक्टर ने क्या किया, दस्त रोकने की मेडिसिन दे दी। यदि दस्त रोकने की आपकी प्रकृति जो शरीर अंदर बॉडी में टॉक्सिक, क्योंकि शरीर क्या करता है, जितनी चीज़ आपकी जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ संचय नहीं करता है, नहीं इकट्ठा करता है। शरीर को जितना रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी एक्सेप्ट कर लेता है, शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है वो बाहर निकाल देता है। यदि वो बाहर निकाल रहा है, जैसे विजातीय द्रव्य के रूप में वो बाहर निकालना चाह रहे हैं, अपन क्या करेंगे, अपन उसको रोक देते हैं। अब दस्त को रुक गया, थोड़े दिन बाद में अंदर जो मल पड़ा है वो वापिस कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटी दिखाएगा, तो गैस्ट्राइटिस के रूप में वो एसिडिटी टाइप करेगा, जलन मचाएगा, पूरी खट्टी जकारे आएगा। उसके बाद में फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप डॉक्टर को कहोगे कि डॉक्टर साहब मेरे फिर ऐसी दस्त तो मेरे ठीक हो गया, क्योंकि प्रकृति वो स्वयं एक चिकित्सक का रूप अदा कर रही थी, वो पूरा बाहर निकालने की कोशिश करेगी, उसको आप रोक दिया, दस्त तो आपका रुक गया। उसके बाद में डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब दस्त तो रुक गया, मेरे एसिडिटी हो गए, तो डॉक्टर साहब ने फिर एक मेडिसिन दी कि भाई ये खाली पेट आप ये रेंटेक पेंटासिड इसका नाम है, आप ये सुबह खाली पेट एक टेबलेट लेते रहिए जीवन भर और आपकी एसिडिटी कंट्रोल है। वो रोग दूर नहीं हुआ, रोग अंदर का अंदर ही है, जो एसिड आपकी बॉडी में है, सिक्रेशन है, वो अंदर का अंदर ही है। एसिड को बॉडी खुद बाहर निकालना चाह रही थी पर तो अपन ने उसको बाहर नहीं निकालने दिया। आपका क्या करेगा, अब एक्स्ट्रा बॉडी में जो एसिड है वो एसिड आपके शरीर में कहीं ना कहीं जाके नुकसान करेगा। पहले आपने दस्त रोक दिया, फिर उसको दूसरा रास्ता बाहर से ऊपर से रास्ता निकालना शुरू किया प्रकृति ने, तो उसको भी रास्ता रोक दिया। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे वो अंदर जो मल पड़ा है वो अंदर पड़ते हुए सड़ान पैदा करेगा, वो क्या करेगा, आपको आंतों पर अटैक करेगा, आंतों पर अटैक करेगा, आंतों को। उसके बाद में आप फिर कहोगे डॉक्टर साहब मेरे तो पेट में जलन सी हो रहा है, अब डॉक्टर साहब ने जाओगे आप उनको कहेगा कोलाइटिस हो गया। अब कोलाइटिस क्या है, आइटिस शब्द जहाँ जुड़ता है उसका मतलब हो जाए सूजन, जैसे अर्थराइटिस, कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब आंतों में सूजन, अर्थराइटिस पूरे जोड़ों में सूजन, सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस गर्दन की नसों में सूजन, लंबर स्पोंडोलाइटिस कमर में सूजन,
पोजन शोल्डर, ये सारे जितने भी आईटी शब्द जहाँ भी जोड़े जाते हैं उसका मतलब होता है उस जगह इंफ्लामेशन, सूजन हो गया। अब उस सूजन को दूर करनी है, अब आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा साहब कोलाइटिस हो गया, उन्होंने कहा कोलाइटिस हो गया, और हम लोग देसी भाषा में ये कह देते हैं आंतों में सूजन हो गई क्योंकि आपके अंदर जो है टॉक्सिक या मल पड़ा है उसको वास नहीं होने दिया इसके कारण से। अब फिर वो मेडिसिन देना शुरू करेंगे, कुछ तो उस मेडिसिन का प्रभाव पड़ेगा और कुछ जो अंदर एक्स्ट्रा बॉडी में एसिड पड़ा है वो घाव पैदा करना शुरू कर देगा। यदि वो घाव पैदा करेगा तो आपके आंतों में घाव पैदा हो गया, आंतों में छाले टाइप होने लग जाएगा, आंतों में पूरा छाले घाव पड़ जाएंगे, आपके छिल जाएगी आंतें। आप फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहेगा एंडोस्कोपी करके उसके बाद में क्या कहेगा कि भाई आंतों में आपके घाव पड़ गया, तो उस घाव को दूर करने के लिए ये मेडिसिन और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, सेकेंड मेडिसिन और ले लें। अब धीरे धीरे वो मेडिसिन खाओगे तो आपके लीवर पर इफेक्ट आएगा, लीवर क्या होगा थोड़े दिन बाद में, एक तो गैस्ट्राइटिस का इफेक्ट लीवर पर जा रहा है, दूसरा मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो लीवर पर जाएगा, धीरे धीरे लीवर को अटैक करना शुरू कर देगा, तो लीवर धीरे धीरे आपका कमज़ोर हो जाएगा। धीरे धीरे फिर कहोगे साहब फैटी लीवर हो गया, लीवर सोरालिसिस हो गया, तो अनेक प्रकार की बीमारियां आपके एक कॉन्स्टिपेशन को दूर नहीं किया आपने उस मेडिसिन के प्रभाव से, यदि आपने एसिडिटी हुई उसको दूर नहीं किया उसके प्रभाव से आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ चुकी होती है। अब उस बीमारियों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आप फिर आयुर्वेद में जाओगे, होम्योपैथी में जाओगे, यूनानी में जाओगे, फिर वहाँ चक्कर काटते हुए एक बहुत बड़ी सी एक थैला फाइल का बना के ले आओगे, पुलंदा रखोगे, फिर कोई बताएगा कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा में भी इस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, तब आप हमारे पास प्राकृतिक चिकित्सा में आओगे। यदि प्राकृतिक चिकित्सा में यदि साधक जो है स्टार्टिंग में आ जाता है तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास गया एक्यूट डिजीज में, हमारे पास कौन सी डिजीज लेके आओ क्रोनिक डिजीज है। अब हम जो ट्रीटमेंट करेंगे, हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सारी फाइल देखने के बाद में एक निष्कर्ष निकालेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन जो है उसका मेन कारण कोज माना जाता है, आपको इतने सालों को गैस्ट्राइटिस है और आपके शरीर में जो एसिड है सिक्रेशन बढ़ रहा है उसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हम सबसे पहले आपका पेट का इलाज करेंगे, अब पहला क्या है उसका कारण माना जाता है, संचित विजातीय द्रव्य जो है वो इकट्ठा हो तो चुका आपके पास, अब उसका निवारण कैसे करेंगे। हमारे पास जो भी साधक आएगा सबसे पहले हम पेट का उपचार करेंगे, यदि पेट का उपचार करेंगे हम तो धीरे धीरे उसका पेट साफ होगा, धीरे धीरे आंतों की गति बढ़ेगी, हम एक तो सात्विक आहार देंगे जो आंतों की गति बढ़ाएगी, शरीर में जितना भी मिनरल्स विटामिन्स होगा वो उसकी पूर्ति होगी, हम सात्विक जूस पिलाएंगे बिना बर्फ़ वाला, बिना चाय चीनी वाला, तो वो जूस पिलाएंगे हम, चाय है, कॉफ़ी है, मैदा है, आलू है, रिफाइंड तेल है, सफ़ेद नमक है, ये सारी चीज़ बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, ये बाकी का जो आहार देंगे वो शोधक आहार देंगे जो शरीर की शुद्धि करता है, उस आहार का प्रयोग करेंगे और साथ में हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार देंगे। अब प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार मैंने जो बताया है, गर्म ठंडा सेक है, मिट्टी की पट्टी है, जिसको एसिड, आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, आपको जुखाम हो गई, आप जुखाम होते सुबह उठ के और आप 3-4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और गुनगुना पानी पीने के बाद में आप वापिस उसको वोमिटिंग कर दीजिए, आपका क्या होगा तुरंत 2 दिन में जुखाम ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक आपको 3 दिन लेनी पड़ेगी तब तक आपके जुकाम ठीक नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ प्राकृतिक चिकित्सा, आप कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में थोड़ा सा समय तो चाहिए, पर तो समय तब चाहिए जब आपने केस बिगाड़ दिया, इसलिए समय चाहिए। यदि स्टार्टिंग में प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी साधक आ जाता है तो उसको ज़्यादा लंबा समय नहीं चाहिए, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकता है। जैसे जुखाम के बारे में बताया मैंने, जुखाम क्या हो गए, एक तो कुंजल करोगे आपके एक तो जुखाम ठीक हो जाएगा, जुखाम के अलावा आपको जो बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेशन पड़ा है, जो बार बार खट्टी डकारें आ रही है, आपके आहार नली में जलन जैसी हो रही है, आपके पूरा जी मचला रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, आलसी टाइप के हो गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो एसिड है वो आपका क्या करेगा,
पानी के साथ डाइल्यूट होकर पूरा बाहर निकल जाएगा। आपको पहले दिन ही इतना अच्छा महसूस होगा और बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो आपकी जो भी परेशानी, एक तो जुकाम दूर हो गई और आपकी जो एसिडिटी की जो मेडिसिन है वो आपकी धीरे धीरे छूट सकती है। अब एसिडिटी की यदि लंबे समय तक ले रहे हो, एक तो 7 दिन कुंजल कर लीजिए। कुंजल का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कुंजल जो करें या तो आप किसी के गाइडलाइन में करें बिना आप अनुभव, या आप किसी से पूछ लीजिए, कोई भी आपके आसपास चिकित्सक है या आप विद्यार्थी है तो आप एक बार प्राकृतिक चिकित्सा में आके एक बार सीख लीजिए। कुंजल कैसे करते हैं, कुंजल हाई बीपी, जिसको ज़्यादा तेज़ बीपी रहता है उनको कुंजल नहीं कराएं, और हार्ट पेशेंट होते हैं उनको कुंजल नहीं कराएं, बाकी के लोग पेट में जो अल्सर हो जाता है उनको भी कुंजल नहीं कराएं। उनको क्या देंगे, हाइपर जो एसिडिटी है उसको सिक्रेशन करने के लिए उसको आपको साबुत धनिया, जीरा और सौंफ, तीनों का पानी एक एक चम्मच रात को भिगो दीजिए और सुबह उनका पानी पिलाइए, आपका पेंटासिड का काम वो कर देगा। तो यदि वो नियमित रूप से पियेंगे तो धीरे 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 उसका एसिड जो सिक्रेशन था बॉडी में, आप बॉडी में कई यूरिन के द्वारा है, स्टूल के द्वारा है, नाक के द्वारा है, पसीने के द्वारा, वो एसिड को बाहर निकालने का काम कर देगा। तो आपको एक तो वो करना है। दूसरों प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे कुंजल की क्रिया मैंने बताई, तो पहला विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने के लिए कुंजल क्रिया आपने करी, फिर मिट्टी का प्रयोग किया, गर्म ठंडा सेक किया, कटि स्नान है, एनिमा दिया, क्योंकि लंबे समय तक आपका कॉन्स्टिपेशन है तो उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए स्टार्टिंग में हम 3 दिन तक एनिमा का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि एनिमा जो आंतों की सफाई के लिए, एक बार 3 दिन एनिमा देंगे, एनिमा देंगे तो पूरा पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा उसके बाद में कटि स्नान है, हिप बाथ है, फुट बाथ है, इस टाइप का कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में विजातीय द्रव्य रोग का कारण माना जाता है, विजातीय द्रव्य उसका निवारण, वे सभी रोग एक है उसका कारण, कारण क्या है, विजातीय द्रव्य एकता होना, रोग क्या है, विजातीय द्रव्य है, और उसका निवारण, उसका निवारण क्या हुआ, उसकी जगह उसको सफाई करनी। अब मैं बताता हूँ, एक जैसी ये नाली है, इस नाली में आपको पानी रोजाना रूटीन में चल रहा है, इसमें यहाँ कचरा आ गया और इसका इकट्ठा हो गया तो यहाँ बदबू या सरान मारना शुरू कर देगी। इसी प्रकार ये आपका शरीर जो है ये बहती हुई एक नाली के समान होता है। आप जैसे शंख में पानी डालते हैं ना, शंख पर सालन भी क्रिया कराते हैं, शंख में पानी इधर से डालोगे इधर एकदम साफ निकल जाएगा, वैसा का वैसा रहेगा। तो ये शरीर भी आप एक शंख की भांति होना चाहिए, जैसे आपने खाया जो आपका अच्छा जो मिनरल्स है, विटामिन है, जो शरीर को पोषक तत्व की उपयोगिता है वो शरीर अपना हिसाब से अपना एक्सेप्ट किया, बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है उसके द्वारा जैसे बाहर निकाल दिया। यदि आपकी डाइजेशन ठीक रहेगी, न गैस्ट्रिक रहेगी, अब स्वस्थ व्यक्ति रहोगे। स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा है, स्वस्थ किसको कहते हैं, WHO कहते हैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा, वो स्वस्थ व्यक्ति, मेंटल, फिजिकल और हेल्थ। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में ये तो हम भी मानते हैं कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से क्या कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, किसी न किसी प्रकार की कोई पीड़ाएं, व्याधियां, अनेक प्रकार की शरीर में व्याधियां रहती है, या बीमारी रहेगी, मानसिक टेंशन रहेगी, घर गृहस्थी की रहेगी, बच्चों की रहेगी, अलग अलग प्रकार की परेशानियां सब व्यक्ति के रहती, पर तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पैर गर्म, पेट नरम और सर ठंडा, ये प्राकृतिक चिकित्सा की स्वस्थ रहने की एक परिभाषा है। तो पहला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में आप लिखिए, सभी रोग एक हैं, उसका कारण विजातीय द्रव्य है, उसका निवारण उस जगह विजातीय द्रव्य जहाँ एकता हो रहा है उस जगह से उसका निष्कासन करना, वहाँ से हटाना, वो उसकी थेरेपी है। तो पहला सिद्धांत आपका यह, सभी रोग एक, उसका कारण एक, उसका निवारण एक, ये है, तो ये तो आप कर दीजिए। सेकंड जो कर देंगे ठीक है, सेकंड जो है दूसरा, रोग का कारण कीटाणु नहीं, रोग का कारण कीटाणु नहीं माना जाता है प्राकृतिक चिकित्सा का जो आधारभूत सिद्धांत है, दूसरा मानते हैं रोग का कारण। एलोपैथी जो है वो रोग का कारण कीटाणु मानती है, और भी जो पैथियां हैं वो रोग का कारण कीटाणु मानती है, पर तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है रोग का कारण कीटाणु नहीं है,
रोग का कारण है संचित विजातीय द्रव्य। संचित विजातीय विजातीय द्रव्य क्या है? आपके शरीर में जो काम की चीज नहीं है वो उस एकता होना विजातीय द्रव्य। यदि रोग का कारण कीटाणु नहीं करे संचित विजातीय द्रव्य एकता होना रोग का कारण माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है यदि रोग का कारण कीटाणु होता तो मनुष्य कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता था, क्योंकि मनुष्य श्वास के द्वारा, पानी पी रहे हैं उसके द्वारा, खाना खा रहे हैं उसके द्वारा, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके द्वारा, आप हाथ क्या हर दो दो मिनट में दो दो नहीं धो सकते हैं उसके द्वारा, इस टेबल पर है, दरवाजे के कितने जगह टच होता है, तो अनेक प्रकार के कीटाणु। आज पोल्यूशन, आज जो पंच तत्व है इसमें पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा, उसमें कीटाणु नहीं है क्या? उसके बाद में आप कोई खाना खा रहे हो, उस फ्रूट्स को खा रहे हो, आप कोई किसी प्रकार का आहार ले रहे हो, दूध पी रहे हो, तो अनेक प्रकार के कीटाणु उसमें आपको ग्रहण कर रहे हैं, पर तो आपकी जो शरीर जो है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो इतनी स्ट्रोंग है जो उस रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। यदि उस रोग से लड़ने की क्षमता रखेगी आपकी बॉडी तो आपके रोग आएगा ही नहीं। रोग कैसे आएगा? जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। आपने जैसे हमारे पास कई इस प्रकार के साधक आते हैं, साहब धूप से एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, कोई कहते साहब पॉल्यूशन से एलर्जी है, कोई कहते साहब मिट्टी से एलर्जी है, कोई कहते साहब गेहूँ से एलर्जी है, कोई किसी से एलर्जी। तो एलर्जी का मतलब होता है आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो गई है और आप पर एलर्जी हावी हो गई है। उस हावी का कारण ये है, जैसे मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा भी था, आपके शरीर में हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं पाई जाती है, पर तो वो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो आपके शरीर के उपयोगी है। वो यदि वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देती है, वो बढ़ जाती है, तो आपके लिए नुकसानदायक, क्योंकि बढ़ेगी कैसे भाई? रोग कैसे, कब आएगा रोग? जब आएगा जो आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है। आप यदि फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करेंगे, आप प्रकृति से दूर भगेंगे। आप क्या करते हैं, विजातीय द्रव्य जो है वो इकट्ठा होने का ये भी कारण माना जाता है भाई, प्रकृति से आप बहुत दूर भग रहे हो। प्रकृति से दूर का मतलब हो गया, आप धूप एलर्जी कैसे हो सकती है? क्योंकि धूप में नहीं होते हो। अब उसके बाद में कहोगे साहब विटामिन डी की कमी हो गई, अब डॉक्टर साहब के पास गए विटामिन डी की कैप्सूल खा रहे हो, फिर दोबारा टेस्ट कराए विटामिन बी 12 की कमी हो गई, फिर आप कैप्सूल खा रहे हो। अरे भाई, इस प्रकृति में, इस जो आहार जो पैदा करती है, इन सब्जियों में, फलों में हर प्रकार की विटामिन डी हो या विटामिन बी 12 हो या विटामिन ए हो चाहे विटामिन ई हो, सब प्रकार की इन फ्रूट्स में सब में मिलती है। आज विटामिन सी, आंवले का जो सीजन चल रहा है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है, कोई भी प्रयोग नहीं करते हैं। आप अनेक प्रकार के कहते साहब बाल जड़ रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां लेके आते हैं, तो आप उनका खान पान शुद्ध कर लीजिए। आपका जो आहार है, व्यवहार है या विचार हैं, विचार आप एकदम शुद्ध कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपके शरीर में परिवर्तन होंगे। यदि आहार, यदि आप सात्विक आहार का ग्रहण करेंगे, सात्विक आहार लेंगे तो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि आप यदि जितने फास्ट फूड खा रहे हो, फास्ट फूड टेस्टिट लग रहा है, आप उसमें कहते हो कैलोरी होती है, कैलोरी नहीं होती है उसमें, कैलोरी तो बहुत सारी होती है, पर तो उस फास्ट फूड को आपको शरीर को पचाने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? एक फास्ट फूड खाया आपने 1200 कैलोरी है, पर तो उस 1200 कैलोरी को पचाने के लिए आपको शरीर को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि 1400-1500 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी। इतनी जो सात्विक आहार है तो उसमें ज़्यादा कैलोरी खर्च नहीं करनी पड़ती है, वो आराम से पच सकता है। तो एक तो आपको, एक तो रोग का कारण कीटाणु नहीं होता है, रोग का कारण होता है संचित विजातीय द्रव्य। अब संचित विजातीय द्रव्य आपके शरीर में, पिछले में जो टॉपिक है उसमें बताया भी है कि सभी रोग, इसमें भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो मानती है कि सभी रोग एक है, उसका कारण एक है, उसका निवारण एक है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा नहीं मानती है कि रोग का कारण कीटाणु है। यदि रोग का कारण कीटाणु मानती तो मनुष्य 24 घंटा ही बीमार रहता, मनुष्य कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता था। शरीर में अनेक प्रकार के कीटाणु हैं, पर तो आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोध क्षमता जो है